तो आज हम बात करने वाले हैं सस्ते और अच्छे प्रोटीन के बारे में, जो कि बिगिनर्स के लिए भी परफेक्ट है। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम माइनस मीडिया। सो माय नेम इज गौरव एंड इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एंड इस प्रोटीन को मैंने खुद पी के देखा है, मुझे अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी भी अच्छी लगी, उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। मैंने ऑर्डर किया था न्यूट्रा बे से। पहले इसके बारे में दिखाऊँ तो ये मुझे पड़ा है 1449 रुपीज़ का। हर एक चीज़ इसमें प्रॉपर दिया हुआ है, एनालिसिस के साथ दिया हुआ है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई कि कंपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ वर्क कर रही है। सो मैंने इसका सैशे ट्राई किया है एंड मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, इसी वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो बनानी चाहिए। देखते देखते ये प्रोटीन ले आए हैं एंड इसे अब खोल के देखते हैं कि कैसा है एंड सब कुछ आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने ये फ्लेवर ट्राई किया है सैशे के अंदर, ट्रायल सैशे के अंदर। मैं यूजुअली आइसोप्योर खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी इसलिए मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। पैकिंग देखो कितनी अच्छी है, जो इसके ऊपर की पैकिंग थी वो मेरी माता ने निकाल के फेंक दी है, इसलिए वो पैकिंग नहीं है मेरे पास, बट हाँ मुझे पैक अच्छा लगा। सो इसे खोल के देखते हैं आप। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो, मैं हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है एंड इससे ओरिजिनल है या नहीं चेक करने के लिए यहाँ पे ऑथेंटिसिटी कोड भी है। मैंने छोटा सा बॉक्स मंगवाया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आइसोप्योर खाना पसंद करता हूँ, पर मैंने न्यूट्रा बे इसलिए मंगवाया कि जो लोग सारे आइसोप्योर नहीं खा सकते उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। एंड मुझे ये 1499 का पड़ा है जिसमें 15 स्कूप्स आते हैं। अगर यही इसका 1 kg वाला वर्जन अगर आप देखोगे तो वो 2250 रुपये में आ जाता है। इट्स अ गुड चॉइस फॉर बिगिनर्स ऑल्सो, बिकॉज मुझे वे यूजुअली नहीं अच्छा लगता। जो भी वे लेता है उसको मैं यही चीज़ कहता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट आइसोलेट लो, वे मत लो, क्योंकि वे को ना डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आइसोलेट को डाइजेस्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। पर हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर और डीप में डेडिकेटेड से वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट में डालना, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बाकी इसका टेस्ट अच्छा है, इसमें शुगर नहीं है, इसमें कार्ब्स भी लो है, इट्स जस्ट 1.4 ग्राम, जो कि बहुत नेग्लिजिबल है। शुगर तो बिल्कुल भी नहीं है, टेस्ट इज़ अमेजिंग, क्वालिटी इज़ अमेजिंग। तो मुझे लगता है दिस इज़ अ परफेक्ट थिंग फॉर दोज जो ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते या फिर जो बिगिनर्स हैं जो ज़्यादा स्पेंडिंग अभी नहीं कर सकते एंड जिनको बॉडी बिल्डिंग में भी इंटरेस्ट है। लाइक अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को कुछ डाइट के बारे में भी बताऊं कि क्या चीज़ किस लिए होती है, उसमें कितना प्रोटीन है, कितने कार्ब्स हैं, तो मुझे प्लीज़ बताना, आई विल मेक दैट वीडियो फॉर श्योर। तो यहाँ हम कर रहे हैं अपना ये व्लॉग ख़त्म। मैंने ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं बनाया होगा, मुझे ये उम्मीद तो है। पर हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और प्रोटीन अमीनो एसिड्स के ऊपर वर्कआउट करके आप लोगों को बताऊं, उसके बारे में कुछ बजट वाली चीज़ों के बारे में बताऊं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर डालना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू रियली लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल हेल्प मी टू ग्रो। So thank you so much for watching. Stay tuned.